असलम डियर व्यूवर्स यूर वॉचिंग राइज सी एस एस यूट्यूब चैनल एंड आई एम जहिर आज के लेक्चर में हम लोग सी एस एस और पी एम एस का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर एंड कम्पोजिशन उसका थर्ड क्वेश्चन जो है उसे डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर वन जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो टोटल एट टू नाइन होते हैं ठीक है सो वाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच वट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये होता है कि वर्ड्स को जो है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन अकॉर्डिंग टू देर फंक्शन जो है कम्पोजिशन uh, में या रोज में या टेक्स के अंदर जो है वो वर्ड्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया जाता है सो so, uh, हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें सो देट इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड्स को जब हम डिफरेंट ग्रूप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उसे फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और ये टोटल नाइन है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन एंड नाइन्थ इज आर्टिकल आज के लेक्चर में हम सिर्फ नाउन को डिस्कस करेंगे वट इज़ नाउन वट इज़ नाउन क्वेश्चन इज वाट इज नाउन द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन यानी किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं ठीक है आगे नाउन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है अकॉर्डिंग टू द काइंड्स अकॉर्डिंग टू द काइंड टाइप्स ऑफ नाउन एंड अकॉर्डिंग टू द केजेज ऑफ नाउन द टाइप्स ऑफ नाउन सो सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड ऑफ नाउन देयर आर फाइव काइंड ऑफ नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन के अंदर ये होता है कि किसी शख्स जो कि स्पेसिफिक पर्सन होता है उसका नाम फॉर एग्जाम्पल जहीर खालिद अली सो नेम ऑफ अ पर्सन ऑफ ऑफ अ प्रॉपर पर्सन ऑफ ऑफ़ अ फेमस पर्सन वो फेमस हो या ना हो लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम हो ठीक है हम उसे अली ठीक हो गया जी यानी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है सो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन सेकेंड कॉमन नाउन कॉमन नाउन के अंदर हम किसी शख्स जगह या चीज़ का नाम इस्तेमाल नहीं करते हम जो है कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसमें कॉमन नाउन में फॉर एग्जाम्पल अली है अली की जगह पर हम वर्ड यूज करेंगे मैन ठीक है वर्ड है लाहौर जब आप अली की जगह पे मैन का वर्ड यूज़ करेंगे तो ये इट विल कॉल्ड कॉमन नाउन फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर लाहौर इज प्रॉपर नाउन ठीक है एक जगह का नाम है प्रॉपर नाउन है लेकिन जब आप कहेंगे सिटी दैट विल भी कॉमन नाउन उसके बाद है कुलेक्टिव नाउन कुलेक्टिव नाउन जो है उसको कहते हैं जिसमें जो है नाउन एज ए यूनिट काम कर रहा हो फॉर एग्जाम्पल आर्मी उसमें कितने सारे नाउन हैं लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशन है वो एज ए यूनिट काम करता है उसके बाद पोलिस एज ए यूनिट काम करता है ठीक है सो so, दैट इज कॉल्ड क्लेक्टिव नाउन मटीरियल नाउन जो है वो किसी सब्सटेंस पर बेस करता है फॉर एग्जाम्पल वाटर मिल्क कोल्ड सिल्वर ओके दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन एब्सट्रैक्ट नाउन एब्सट्रैक्ट नाउन जो है वो ये किसी क्वालिटी पर बेस करता है स्टेट पर बेस करता है या एक्शन पर बेस करता है यानी एब्सट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें होती हैं जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं बट जो नहीं सकते फॉर एग्ज़ाम्पल फीलिंग्स हमारी जो होती हैं हमारे अंदर जो क्वालिटी होती है ठीक है वो चीज़ें और अप्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसे हम तीन एक के अंदर हमने तकसीम उसे किया है अब्सट्रैक्ट नाउन को नंबर वन क्वालिटी नंबर टू स्टेट नंबर थ्री एक्शन व्हाट इज़ क्वालिटी फॉर एग्जांपल कहते हैं कि एक एक इंसान की क्वालिटी है ठीक है ही इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन वाई आप आप कहते हैं उसका कलर इस ऐसा है आप उस कलर की जो क्वालिटी आप उसे छू नहीं सकते आप उसे जो है वो सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं आप उसे देख सकते हैं ठीक है उसके अलावा हाइट एक पर्सन जो है वो अम्बा ठीक है एक की हाइट थोड़ी सी कम है सो so, हाइट हम उसको महसूस कर रहे हैं ठीक है उसके बाद स्टेट स्टेट होता है कि आपकी हालत कैसी आप किस हालत में है पवर्टी गुरबत गुर्बत जो है वो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं ठीक है उसके बाद है यूथ जवानी हम महसूस करते हैं कि ये आदमी बहुत जवान है हमने कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स रखे हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये चीज़ें जो है वो उनको एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद है एक्शन आप हैप्पी हैं आपका मूड कैसा है आपकी फ़ीलिंग्स कैसी हैं दैट विल बी योर एक्शन आप हैप्पी हैं आप एडवेंच लेना चाहते हैं किसी के साथ आपकी दुश्मनी है सो so, वो आपके अंदर एक जो है एक कंसेप्ट पाया जा रहा है ठीक है दैट इज़ कॉल्ड क्ट नाउन ये जो है फाइव काइंडस्ट्रैक्ट नाउन की हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन नाउन ठीक है प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट ये जो है नाउन की फाइव काइंड है अब केसेस ऑफ नाउन पर बात करते हैं ये टोटल फोर है नंबर वन है नोमिनेटिव नंबर टू है एक्जेटिव नंबर थ्री है उजेज नंबर फोर है वो केटिव नंबर फोर है वो केटिव सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होता क्या है वाट इज़ दिस ये होता है कि ये नाउन जो है यहाँ पे नाउन जो है इसके अंदर इस काइंड के अंदर ये काम करता है शो रिलेशन ऑफ नाउन विद अदर वर्ड्स यानी नाउन अपना जो रिलेशनशिप है वो अदर वर्ड दूसरे अल्फाज के साथ शो करता है सबसे पहले नोमिनेटिव नोमिनेटिव में नाउन ये काम करता है इट वर्क्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब सो नोमिनेटिव इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव बिकॉज इट्स वर्क सब्जेक्टिव ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एक्वजेटिव एक्वजेटिव इन एक्वजेटिव नाउन वर्क्स एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑबजेक्टिव ऑफ अ नाउन नंबर थ्री उजेज उजेज के अंदर जो है नाउन अपनी जो है बिलोंगनेस किसी चीज़ के साथ शो करता है फॉर एग्ज़ाम्पल खालिद कार दिस इज़ खालिद कार हियर खालिद इज जो है ना वो अपनी बिलोंगनेस शो कर रहा है किसी चीज़ के साथ कार के साथ ठीक है एक ऑनरशिप अपनी शो कर रहा है इसलिए ये उजैज है ठीक है उसके बाद है वोकेटिव वोकेटिव में होता ये है कि नाउन जो है उसमें आप जो है किसी चीज़ को आ, किस चीज़ से मुखातब होते हैं किस चीज़ के साथ मुखातब होते हैं आप कैसे होते हैं किसी कि, किसी चीज़ के साथ मुखातब वो ये है आप कहते हैं सर व्हाट इज़ योर नेम सो जो वर्ड आपने सर इस्तेमाल किया सो दैट इज़ कॉल्ड ओके आप कहते हैं मैम व्हाट आर यू डूइंग सो मैम जो है वो वोकेटिव है उसके बाद है जी वर्ड आप कहते हैं कम ऑन गर्ल्स कम ऑन गर्ल्स सो आपने जो लास्ट वर्ड यूज़ किया गर्ल्स दैट इज़ कॉल्ड वोकेटिव सो दैट इज ऑल अबाउट नाउन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पोनाउन को जो है डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इसी तरह हम नाउन की जो नाइन काइंड्स हैं वो अपनी जो है फ्यूचर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पोनाउन को डिस्कस करेंगे अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अला हाफिज़